दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी F62 के अंदर अगर आपको अपने फॉन्ट स्टाइल चेंज करनी हो तो कैसे कर सकते हैं। कई बार आपको जो रहती है अपने फ़ोन के अंदर अपने फॉन्ट चेंज करने हो तो कैसे करें, इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन के अंदर अपने फॉन्ट को कैसे चेंज कर सकती हैं। इसके लिए वीडियो में बहुत सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर अपने फॉन्ट को चेंज करा सकते हैं। चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अब तक हमारा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल कर लें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो आपको अपनी फॉन्ट चेंज करने के लिए सबसे पहले चलना होता है सेटिंग में। यहाँ से हम आ जाते हैं सेटिंग में। सेटिंग आने के बाद ही आपको ऑप्शन मिल जाता है डिस्प्ले, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। डिस्प्ले पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट स्टाइल, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है फॉन्ट स्टाइल, तो यहाँ से आप दोनों तरीके से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट बोल्ड फॉन्ट इसे ऑफ कर देंगे तब आपके फॉन्ट थोड़े से चेंज हो जाएंगे। अगर आपको और ज़्यादा चेंज कराने हैं तो फॉन्ट स्टाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको सैमसंग फ़ोन मिल जाते हैं सैमसंग, इस प्रकार से ये मिल जाते हैं। आपको और चेंज कराने हो तो यहाँ आपको स्टैटिक बोल्ड मिल जाते हैं। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर अपने फॉन्ट को चेंज करा सकते हैं। इसे इनेबल करेंगे तो आपके थोड़ा और बोल्ड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर अपने फॉन्ट को चेंज करा सकते हैं। और यहाँ से अगर आपको साइज चेंज करना हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं साइज जो भी करना चाहें आप यहाँ से, इस प्रकार से आप साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर अपने फॉन्ट को चेंज करा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।